अस्सलाम वालेकुम हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू देने जा रही हूँ वो है मिस रोज़ की मैट फाउंडेशन मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सुना था कि ये लो प्राइस लेकिन फ़ुल कवरेज फाउंडेशन है तो मैंने कर लिया है इसको बाय आइए आप और मैं मिल देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा है और ये कितना वर्क करती है तो जनाब ये इस तरह की पैकेजिंग में मिलती है थर्टी सेवन एम एल इसकी पैकेजिंग है बहुत ही छोटू सा साइज़ है इसका मैंने जो कलर लिया है वो है आइवरी सिक्स अब करते हैं इसको ओपन इसके अंदर से ये छोटी सी ट्यूब निकली है इसका साइज़ बहुत ही छोटा है अब इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये मुझे मिली थी थ्री फिफ्टी में इसकी प्राइस थ्री फिफ्टी से कम या ज़्यादा भी हो सकती है तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो का आगाज़ लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके अब मैं आपको बताती हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैंने लिया है मेरे पास जो है मिस रोज़ की मैट फाउंडेशन है उसके अलावा मेरे पास है येदा ब्यूटी का प्राइमर और पाउडर ब्रश और साथ में मैंने मिस रोज़ की कॉम्पैक्ट किट ली है ये मैंने एक साल पहले ली थी लेकिन अभी तक मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ ये भी बहुत अच्छी है ये भी मिस रोज़ का ही ब्रांड है लेकिन आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं करते हैं इसको अप्लाई और देखते हैं इसकी कवरेज कैसी है और इसकी फिनिशिंग कैसी है सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे प्राइमर इसका मैं सिर्फ एक पंप ही लूँगी इसको अच्छे से हमने ब्लेंड कर देना है और प्राइमर ज़रूरी नहीं कि फुल फेस पे लगाया जाए ये सिर्फ वहाँ पे लगाएं जहाँ पे आपके ओपन पोर्स हैं प्राइमर हमारी स्किन के पोर्स को फिल करता है जिससे हमारी स्किन जो है वो अच्छी हो जाती है और इनकी जो फिनिशिंग है वो ब्लर हो जाती है इसलिए बेहतर है कि कोई भी बेस अप्लाई करने से पहले प्राइमर लगा लें मेरा प्राइमर हो गया है जी ओब्जोब अब हम इस पर अप्लाई करते हैं मिस रोज़ की मैट फाउंडेशन और देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा है वैसे मैं तो इसका रिज़ल्ट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैंने ये आइवरी सिक्स मंगवाया है लेकिन मुझे ये मेरा शेड पता नहीं क्यों लग नहीं रहा ट्राई करते हैं इसको मैंने इसकी बिल्कुल लिटल अमाउंट ली है क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ इसकी लाइट कवरेज कैसी है उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ज़्यादा भी अप्लाई करेंगे लेकिन अभी मैं इसको करूँगी ब्लेंड मैं इसको अपनी फिंगर की मदद से ही ब्लेंड करूँगी ब्लेंड करने में तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है और इसका टेक्सचर भी काफ़ी थिक है और ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रही है मुझे इसकी कवरेज बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट अप्लाई की है और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी अच्छी कवरेज देगी तो बेसिकली ये एक लाइट कवरेज बेस भी है और हाई कवरेज बेस भी है इसको डिपेंड करता है कि आपने कैसी बनानी है अगर लाइट कवरेज बनानी है तो थोड़ी मक़दार इस्तेमाल करें और अगर हाई कवरेज बनानी है तो ज़्यादा मकदार अप्लाई कर लें वैसे ये यूनि गर्ल्स और कॉलेज गर्ल्स के लिए भी अच्छी है रूटीन लाइफ के लिए रूटीन लाइफ में वो इस्तेमाल कर सकती हैं इसको और अगर आपको कोई इवेंट है या नाइट फंक्शन है तो आप इसकी हैवी बेस भी बना सकते हैं अब मैं इसको फ़ाइनल लुक देने के लिए इसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर रही हूँ ताकि इसकी जो फ़ाइनल लुक है वो देख सकूँ ओवरऑल बात की जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी बेस है जो कि हमें लो प्राइस में मिल जाती है आप भी इसको बाय कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हाफिज़